हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में माँ आदि शक्ति दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं। सभी के सभी शक्तिपीठ देवी सती के ही स्वरूप माने जाते हैं। आज हम आपको जिन देवी की कथा सुनाने वाले हैं, जिनकी महिमा गाने वाले हैं, जिनके पावन धाम का दर्शन करने वाले हैं, वो देवी हैं माँ नैना देवी। नैना देवी का पावन धाम देवभूमि, तपोभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित है। यह धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में मां नैना देवी का 6वां दर्शन होता है। मां के भक्तों, पुराणों के अनुसार सभी माताओं की उत्पत्ति का एक ही कथा है। मां नैना देवी माता सती का ही रूप है। कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं समझता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए भगवान शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफी बुरी भली बातें कहीं, जिसे माता सती सहन ना कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्नि कुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिसके कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि नैना देवी में माता सती के नेत्र गिरे थे। भक्तों, मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि ये पीपल का पेड़ कई सदियों पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार पार करने के पश्चात दो शेर की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। शेर माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। पास ही में पवित्र जल का तालाब है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप में एक गुफा है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और दुर्गा सप्तसती के देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक युद्ध हुआ, जिसमें असुरों की विजय हुई। उस समय असुरों का राजा शक्तिशाली महिषासुर था, जो जीतकर स्वर्ग का राजा बन बैठा और सभी देवता धरती पर रहकर मनुष्यों की भांति ही अपना जीवन यापन करने लगे। असुर देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। देवताओं ने एक दिन बैठकर आपस में विचार विमर्श किया और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया।
वह सब भगवान विष्णु जी के पास गए और अपने सारे कष्ट बताकर उन्हें कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उस देवी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, हमें उस देवी के बारे में बताएं जो हमें हमारे सारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। सभी देवताओं ने भगवान के कहे अनुसार देवी की स्तुति की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों त्रिदेव के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो सबके देखते देखते ही एक स्त्री के रूप में बदल गया। जैसे ही देवी प्रकट हुई, सभी ने माता की स्तुति करना आरंभ कर दिया। सभी देवी देवताओं ने माता को कुछ न कुछ भेंट देना आरंभ कर दिया। शिव भगवान ने सिंह दिया, विष्णु जी ने कमल, इंद्रदेव ने घंटा, सागर देवता ने माता को बहुत ही सुंदर माला दी। इस प्रकार सभी ने देवी को कुछ न कुछ उपहार भेंट की। सबने हाथ जोड़कर माता से अपनी रक्षा करने के लिए माता से आग्रह किया। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाने का वरदान दिया। इसके बाद माता ने महिषासुर से कई समय तक युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। सभी ने माता की जय जयकार की। तभी से माता का नाम महिषासुर मर्दनी भी पड़ गया। मान्यता है कि मां ने महिषासुर को मारने के पश्चात उसकी आंखें निकाल ली थी। भक्तों, मां नैना देवी मंदिर से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार एक नैना नाम का गुज्जर लड़का था, जो एक बार अपने मवेशियों को चराने गया था। उसने देखा कि एक सफेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने उस सफेद गाय को कई दिनों तक उस पत्थर पर अपने थन से दूध बरसाते हुए देखा, तो उसके मन में गाय के दूध बरसाने के कारण जाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। एक रात जब वह सो रहा था, तो उसके सपने में मां भगवती प्रकट हुई और उससे बोली कि जिस पत्थर पर सफेद गाय अपने थन से दूध बरसाती है, वह पत्थर उनकी पिंडी है। सुबह होते ही चरवाहा गुज्जर नैना राजा वीरचंद्र के महल जा पहुंचा और उसने जो कुछ प्रत्यक्ष और सपने में देखा था और सुना था, वो सब राजा वीरचंद्र को बता दिया। राजा ने गुज्जर बालक नैना की बातों को जांचा और परखा। जब उसने स्वयं अपनी आंखों से सफेद गाय को पत्थर की पिंडी पर दूध बरसाते देखा, तो उसे चरवाहे गुज्जर नैना की बात पर विश्वास हो गया। तब राजा वीरचंद्र ने वहां नैना के नाम पर श्री नैना देवी मंदिर का निर्माण करवा दिया। भक्तों, नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में आने वाली दोनों चैत्र मास और अश्विन मास की नवरात्रि में यहां पर विशाल मेला लगता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आकर माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं और अपनी मुंह मांगी मुरादें प्राप्त करने के लिए माता को भोग के रूप में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग भी लगाया जाता है। श्रावण अष्टमी को यहां पर भव्य व आकर्षक मेले का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। बाकी अन्य त्योहार भी यहां पर काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भक्तों, माता नैना देवी धाम पहुंचने के लिए वायु, रेल और सड़क तीनों ही मार्ग उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार तीनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। भक्तों, अगर आप माता नैना देवी की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ तक वायु मार्ग से जा सकते हैं। चंडीगढ़ से आप बस या कार की सुविधा ले सकते हैं। चंडीगढ़ के अलावा
नैना देवी धाम पहुंचने के लिए दूसरा नजदीकी हवाई अड्डा अमृतसर है। भक्तों, यदि आप नैना देवी रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ और पालमपुर तक रेल की सुविधा उपलब्ध है। चंडीगढ़ या पालमपुर से बस, कार व अन्य वाहनों से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप नैना देवी सड़क मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नैना देवी की दूरी 350 किलोमीटर है। आप बस या निजी वाहन से दिल्ली से करनाल, चंडीगढ़, रोपड़ होते हुए नैना देवी पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, देर किस बात की, यात्रा का शुभ आरंभ कीजिए और माता नैना देवी के दरबार में पहुंचकर दर्शन और पूजन का लाभ लीजिए और मां की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय माता दी।